हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडीओ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम ले आए हैं आपके लिए पार्ट एट। और बच्चों, पार्ट एट में आपको बताने वाला हूँ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि आपके क्या करते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं एक प्लांट से अनदर प्लांट्स के लिए, है ना। सफर कर सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं, जो कि एक जगह से कहाँ लेके आते हैं बच्चों, दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोलन एजेंट्स, ठीक है। अब ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, आपके बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बायोटिक कौन से होते हैं बच्चों, तो बायोटिक होते हैं आपके जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं आपके, कैसे होते हैं आपके लिविंग्स। अबायोटिक में आपके नॉन लिविंग्स आ जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कैसे बायोटिक में, तो बच्चों बायोटिक में आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनके थ्रू आपका पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग्स में अगर हम लोग बात करें अबायोटिक में, तो आपकी विंड या एयर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं बच्चों अबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। किस तरीके से होता है वो देखते हैं हम लोग वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स विच कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि पोलन ग्रेन्स को कैरी कर रहे होंगे फ्रॉम एक फ्लावर से लेके दूसरे फ्लावर पे, ठीक है, उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब आपके होते क्या हैं, आपके ये बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं कुछ आपके, जो कि आपके बच्चों क्या होते हैं, लिविंग्स, जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू, नॉर्मली इंसेक्ट आपका कोई गया और या फिर बर्ड्स या एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल तो ये आपका हो, आपके इंसेक्ट या बर्ड के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। अब बायोटिक कौन से होते हैं, आपके जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि वाटर और एयर, है ना। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, हल्का सा माइन्यूट फॉर्म में बता दूं कि इंसेक्ट के थ्रू किस तरीके से होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हनी बी आपकी होती है, तो हनी बी क्या होती है आपकी, एज इट इज नेक्टर लेने के लिए जाती है आपकी फ्लावर के पास में, ठीक है। नेक्टर एक फ्लूड है जो कि आपके फ्लावर के अंदर पाया जाता है। तो कहीं हद तक हनी बी को नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा काम करके जा रही है, उसे भी आइडिया नहीं होता इस चीज़ को, है ना। तो वो क्या करती है, जैसे कि आपका माइन्यूट सा फ्लावर है कोई, ठीक है, ये फ्लावर आपके पास है ना, यहाँ पर आपके क्या है, नेक्टर अवेलेबल है। तो हनी बी आएगी और इसके अंदर एंट्री करेगी, यहाँ पर इसके क्या है बच्चों, यहाँ पर इसके एंथर पार्टिकल्स हैं आपके, यहाँ पर एंथर है, ठीक है। तो हनी बी क्या करती है, इस तरीके से एंटर करती है उसके अंदर, है ना। अब हनी बी अगर उसके अंदर एंट्री करेगी फ्लावर के अंदर, तो एंट्री करते टाइम पे क्या होता है कि जो एंथर होता है उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं पूरी से, है ना, क्योंकि उनमें आपका स्टिकी, आपका सब्सटेंस अवेलेबल होता है आपके पोलन ग्रेन्स में, उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। और उसकी बॉडी को लेके वो पूरा अंदर जब एंट्री कर रही होती है नेक्टर को लेके, तो उसकी बॉडी के थ्रू पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके स्टिग्मा पर, है ना, यानी कि फीमेल फ्लावर के पास में। तो इनडायरेक्टली तरीके से आपकी कहीं हद तक जो आपकी हनी बी है उसको आइडिया भी नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने उसके थ्रू आपके फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके इंसेक्ट जो है आपके पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस वाटर और एयर का तो आपको पता ही है, प्लस हम बताते हैं, देखो पॉलिनेशन बाय विंड, अगर पॉलिनेशन आपका हवा के थ्रू हो रहा है बच्चों, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अमीनोफिली, क्या बोलते हैं, अमीनोफिली। अगर आपका पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, हवा के थ्रू हो रहा है आपका, ठीक है, जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट्स, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं आपके। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन आपका हो रहा है, तो उसके लिए आपको बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं उसके, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है, तभी आपके हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि स्टिग्मा का लार्ज होना, जो आपकी फीमेल पार्ट है आपका स्टिग्मा, उसको थोड़ा सा लार्ज होना बहुत जरूरी है, अगर वो लार्ज नहीं होगा तो वहाँ पर पॉलिनेशन आपके रुक नहीं पाएंगे, है ना। दूसरी बात, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, आपके हल्के होने चाहिए, जिससे कि नॉर्मली हवा से उड़ सके, है ना, और इजीली आपके वहाँ तक पहुँच सके। तीसरा, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पोलन ग्रेन्स मोस्टली आपके स्टिकी होते हैं, लेकिन जो हवा के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है उसमें बच्चों पोलन ग्रेन्स आपके नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपे अगर नहीं होंगे तो आपके आराम से पहुँच सकते हैं, अगर मान के चलो अगर वो मैं अगर आपका चिपचिपा सब्सटेंस अवेलेबल है तो वो एक जगह पर अटक जाएंगे और उसकी वजह से अगर वो फर्दर फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपके पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए बच्चों, नॉन स्टिकी होना बहुत जरूरी है पोलिनाइजेशन के लिए, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना कि वाटर के थ्रू किस तरह से आपके पॉलिनेशन करते हैं। सो हम लोगों ने एयर के थ्रू देख लिया था कि एयर के थ्रू आपका पॉलिनेशन कैसे होता है, है ना। अब हम देखने वाले हैं वाटर के थ्रू किस तरीके से होता है। तो अगर वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन आपका हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अमीनोफिली, इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिली, ठीक है। एज अ टर्म है आपकी, यूज करना, आपकी पॉलिनेशन बाय वाटर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हाइड्रोफिली, ठीक है। अच्छा, पानी के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है आपका काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में होता है, यानी कि बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंडर में होता है आपका, है ना। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी में पाए जाते हैं वही करते हैं। जिसमें पहला मेथड आपका कि आपके पहले वाले मेथड में जो फर्स्ट वाला मेथड है, उसमें आपके पॉलिनेशन किस तरीके से होगा कि आपके जो आपका जो आपका जो प्लांट है एक्वेटिक प्लांट है, उससे आपके पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और अंटिल तब तक फ्लोटिंग करते रहेंगे जब तक उनको कोई फीमेल पार्ट स्टिग्मा ना मिल जाए, ठीक है। जैसे उनको फीमेल पार्ट स्टिग्मा मिल जाता है, अच्छा, और आप सोचो कि ये फ्लोटिंग अबव सरफेस पे करते हैं, नहीं, डाउन स्ट्रीम में आपकी फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जमीन के एकदम डाउन स्ट्रीम में, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में फ्लोटिंग तब तक करते रहते हैं जब तक इनको कोई नहीं मिल जाता, स्टिग्मा नहीं मिल जाता, है ना। दूसरा जो मेथड है आपका,
वो अपने आप करते हैं खुद, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं बच्चों, फिलामेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो खुद से तैरते रहते हैं। जब उनको एज ए फीमेल स्टिंगमा मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, है ना। किस तरीके से करते हैं देखो, तो सबसे पहले आप देखें, ये आपका रेयर केस है आपका पॉलिनेशन विच पोलन टू कैरी टू द फ्लावर बाय वाटर, जो कि बहुत कम रेयर केस में देखा जाता है ना। इट अकर बाय वन और टू मेथड्स, ये आपका दो मेथड के थ्रू हो सकता है। पहला क्या है, इन कैनेडियन पॉन्डवीड, जो कि आपका एक एक्वाटिक प्लांट है जिसको हम लोग एल्डिया कैनडियंस भी बोलते हैं। ये आपका क्या है बच्चों, मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर जो होगा आपका ब्रेकअप होता है आपका, इस तरह से टूट जाता है आपका, देन फ्लॉट तैरने लग जाते हैं। कहाँ पर, डाउन स्ट्रीम में। कब तक, अंटिल दे कॉन्टेक्ट द फीमेल फ्लावर, जब तक कि किसी फीमेल फ्लावर के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए, तब तक फ्लॉटिंग करते रहेंगे ये आपके, है ना। तो कुछ इस तरीके से करते हैं आपके दूसरे बच्चों। जैसे कि आपका नेक्स्ट है आपका इंजूस्टर, तो ये आपका बच्चों मरीन स्पीसीज, यानी कि नमक वाले पानी में पाए जाते हैं। अदर कहाँ पाए जाते हैं, नमक वाले पानी पाए जाएंगे। इनके पास क्या पाया जाता है, फिलामेंटस पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके से आराम से फ्लोटिंग कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आर देम सेल्वेस खुद ही सेल्फ आपके कैरेड इन द वाटर, आराम से खुद ही तैरते रहते हैं, और जब उनको एज अ फीमेल पार्ट जहाँ मिलता है वहाँ पे आपके ये लैंड कर जाते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमने एयर के थ्रू देख लिया, हमने पानी के थ्रू देख लिया, ठीक है, प्लस इंसेक्ट के थ्रू। मैंने आपको बता ही दिया कि इंसेक्ट के थ्रू किस तरह से होता है आपका पॉलिनेशन। प्लस सबसे बेसिक चीज़ देखें तो एक इसमें एक स्टोरी फॉर्मेट भी है। जैसे कि अगर हमें देखा जाता है कि हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है या फिर काफ़ी ज़्यादा कही जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एक बात बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसेक्ट की वजह से आपका एक प्लांट फर्टिलाइज होता है, तो आप यकीन करोगे इस बात पे कि एक इंसेक्ट के थ्रू, एक इंसेक्ट है जो वो एक प्लांट को फर्टिलाइज कर रहा है ना, सोचने वाली बात है, बट ऐसा होता है, ठीक है। हमारे नेचर में ऐसा होता भी है। जैसे कि देखा जाए तो आपका प्रोनोवा मॉथ एंड यूका प्लांट, आपके ये दो जो हैं आपके, प्रोनोवा मॉथ एक इंसेक्ट है और जबकि यूका प्लांट एक हम कह सकते हैं प्लांट ही है, और दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन से ही उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिना एक दूसरे के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं सकते, है ना। तो सोचने वाली बात है कि इंसेक्ट और एक प्लांट का रिलेशन और उन दोनों के फ्यूजन से ही आपका फर्टिलाइजेशन आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो किस तरीके से होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका जो प्रोनोवा मॉथ है, पहले वो समझो कि है क्या आपका, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कि प्रोनोवा मॉथ दिखता कैसा इंसेक्ट है ना। तो मैं आपको बताऊं, शायद आपने देखा भी होगा, नॉर्मली सबने देखा अपनी लाइफ में, आपने देखा होगा जो आपके बल्ब होते हैं आपके, जैसे बारिश का टाइम होता है तो व्हाइट कलर के पतंगे टाइप से आ जाते हैं आपके, व्हाइट कलर के काफ़ी सारे, उनमें पंख से होते हैं आपके, पतंगे टाइप से आपने देखे होंगे नॉर्मली, है ना। जो बारिश के टाइम पे आपके प्रकाश के टाइम जो लाइट होती है आपकी, उस पर अपना सिर पटक पटक के सुबह के टाइम पे बहुत सारे मरे हुए मिलते हैं हमें बल्ब के नीचे, है ना। तो इस पे बेस्ड एक कवि हैं, मुझे श्लोक तो ध्यान नहीं है, बट उन्होंने एक बाकायदा एक अच्छा खासा श्लोक दिया हुआ है कि लाइफ में अगर किसी चीज़ को अगर अचीव कर रहे हो, तो या फिर किसी चीज़ को लेकर आपका गोल हुआ है, किसी चीज़ को लेकर अगर आप अचीव करना चाह रहे हो, तो उसको कुछ इस तरीके से चाहो कि क्या मतलब, फिर चाहे कुछ भी हो लाइफ में, बट वो चीज़ हासिल करनी है तो करनी ही है, ठीक है। जैसे कि आपका जो प्रोनोवा मॉथ है, आपका जो इंसेक्ट है, प्रकाश की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि उसको ये नहीं पता होता कि जितनी बार वो उस पर टकराएगा उतनी बार वो मरेगा, है ना। उससे चांस है उसके मरने के, लेकिन नहीं, उसके अंदर 1% भी चांस बचती है, उसके बाद ही वो उड़ के जाता है, गिरता है, फिर उड़ के जाता है, फिर से उस पर आपका बल पे जाके टकराता है, लेकिन नहीं, अंटिल जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो नहीं मानता। तो आपका ये वही इंसेक्ट है जो नॉर्मली आप सबने देखा होगा, है ना। तो जो प्रोनोवा मॉथ है आपका, फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, ये अपना एग प्रोड्यूस करता है यूका प्लांट पे, ये आता है अपना यूका प्लांट पे जाएगा, ठीक है, वहां पे जाके अपना एग प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब जैसे ही अपना एग प्रोड्यूस करेगा, उस एग को ब्रेक होने के बाद वहां से लार्वा निकलेगा, उस लार्वा को इस प्लांट जो आपका यूका प्लांट है उसके जो सीड होंगे वो उसको फीड कराएंगे, खाएंगे, ठीक है। और जब वो उसको खाएंगे तो देन फॉर्म है फ्रूट, एक फ्रूट फॉर्म करेंगे वो, और जब वो फ्रूट आपका प्रॉपर वेल डेवलप हो जाएगा तो वो फ्रूट आपका जमीन में गिर जाएगा, और जमीन में गिर के एक ककून में डेवलपमेंट हो जाएगा। किसमें डेवलप होगा, ककून में, ठीक है। और उस ककून से निकलेगा क्या, प्रोनोवा मॉथ, है ना। यानी कहने का मतलब है कि उस लार्वा से आपका प्लांट फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, जिसके से फ्रूट बना, है ना, और उस फ्रूट से एक ककून फॉर्म हुआ जिससे क्या निकला, प्रोनोवा मॉथ, यानी कि इंसेक्ट बना। तो इस तरीके से इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के कोरिलेशन से कंप्लीट होती है, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्लस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कि आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कि पोलन रॉबर्स या फिर है नेक्टर रॉबर्स। अब तुम कहोगे कि ये चोरी करने वाले काम कहाँ से आ गए, है ना। तो पोलन ग्रेन्स की भी रॉबरी होती है ना। कैसे होती है आपकी, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके वो पोलन ग्रेन्स की रॉबरी कर जाते हैं। यानी कि होता क्या है कि कोई कोई इंसेक्ट्स आपके उन पोलन ग्रेन्स को खाते हैं, है ना, और उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स ही खत्म कर जाते हैं। अब फ्लावर में पोलन ग्रेन्स ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइज किससे होगा, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारे फ्लावर फर्टिलाइज भी नहीं हो पाते। यानी कि एक कहीं हद तक रीजन इंसेक्ट की वजह से हो भी रहा है कि फर्टिलाइजन, और एक कहीं हद तक रीजन ये भी हो रहा है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो कि आपके इस प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है।
तो हमारा इसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आपका प्रॉपर आपके जो रॉबरी केसेस जो आपके कंप्लीट होते हैं कैसे होते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्लस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको पोलर प्रेशर इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।